पाँच बजे हम नारा से निकले थे, 6 बजे का टाइम है इस टाइम सबसे मलुक पे हम पहुँच गए। ये तकरीबन 10,578 फीट की हाइट पे है। चावत की रात हुई सिजानान मया दवा दसरो शुंड तपा ससुर फैसवान मया दवा चावत की रात हुई सिजानान मया दवा दसरो शुंड तपा ससुर फैसवान मया दवा। वो सामने मलके पर्वत का बेस कैंप है, वहाँ तक तकरीबन हमें 10-20 मिनट और लगेंगे। यो पलो में यार लवंगिन में फदा बल पलो यवड़ु किया दे पलो रावा। सामने जो आपको नजर आ रहा है मलके पर्वत है, और ये ट्रैक जो है वासुदेव की तरफ जा रहा है। सामने मलकिया पर्वत का जबरदस्त व्यू, उस साइड पे बर्फ ग्लेशियर्स, और यहाँ से ऊपर जो चढ़ाई है वो बहुत सख्त है। पत्थर है जस्ट लाइक ए मिरर। करते यही क्यों अब नहीं तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको। ये जो लास्ट चढ़ाई है बहुत थका देने वाली है, साइड पे देख रहे हैं बिल्कुल सीधे ऊपर जाना है, और हैं भी पत्थर और बर्फ। ये सामने मलके पर्वत। 10 बज रहे, 6:30 बजे हम जैसलमेर मुलुक से निकले थे, 3.5 घंटे में आंसू झील पे। आफ्टर ट्रैकिंग फ्रॉम जैसलमेर मुलुक वी आर एट आंसू लेक, और ये तकरीबन 16,000 फीट की बुलंदी पे है सतह समंदर से। इधर दरमियान में पैर ना रखेंगे। ओके ब्रो, सो फाइनली वी आर एट आंसू लेक। मोस्टली जो लोग आते हैं वो ऊपर से आते हैं, वहीं से पिक्चर्स वगैरह लेके बना के चले जाते हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप जब भी आएँ आपने वहाँ से नीचे नहीं आना। हम वहाँ से 2 हाथ और 2 पाँव का इस्तेमाल करके आए, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, सारे पत्थर हैं, बर्फ़ है, और अभी मैं खुद गिर गया था यहाँ, तो आपने यहाँ नहीं आना। बाकी व्यू आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है, और अभी बर्फ़ है यहाँ तक, और ये चलिंग था कंप्लीट हो गया। जस्ट एट माय बैक आंसू झील है, यहाँ से इसका वो व्यू नज़र नहीं आ रहा, और बड़े ही मुश्किल रास्ते से नीचे आए। अब इस साइड पे ये जो रास्ता जाता है, इस साइड पे ये मनूर वैली को जाता है। आंसू झील किससे थोड़ा से आगे आके ये व्यू मिलेगा आपको, इस 12:15 यहाँ से भी हमने वापस जाना है, और जैसे मैंने पहले कहा था 12 बजे के बाद यहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।